राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने शुक्रवार को सर्किट हाउस स्थित सभागार में महिलाओं से संबंधित कानूनी और न्यायिक समस्याओं की जन सुनवाई की। इस दौरान राज्य महिला आयोग की सदस्य ने महिलाओं की एक एक कर समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। महिला जन सुनवाई के तहत 15 महिलाओं की समस्याओं की सुनवाई की गई, जिसमें घरेलू हिंसा, रोजगार की समस्या, कानूनी सहायता जैसे प्रकरणों के संबंध में विभिन्न महिलाओं की अर्जी मिली, जिसके संबंध में महिला आयोग की सदस्य ने समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर SP क्राइम डॉक्टर MP सिंह, जिला प्रोविजन अधिकारी सर्वजीत सिंह, जिला बेसिक शिक्षा विभाग के समन्वयक, स्वास्थ्य अधिकारी, तहसीलदार नीलम त्रिपाठी, महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी ने कहा, जिसकी जैसी समस्या है उसके हिसाब से हम कड़ाई से अपने अधिकारियों को ये कहते हैं कि इनका मतलब निर्देशित करते हैं कि इनका ये काम जिसके जिसके द्वारा होना होता है वो हो जाए, और बाकी हम सबको अपना नंबर देते हैं कि कहीं इत्तफाकन उनको आवश्यकता हो, कोई अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहा हो तो वो सीधे हमसे कॉन्टेक्ट करें। काफ़ी संख्या में महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं, उनको लेकर क्या किस तरह के देते हैं? उनके लिए तो हमारा यही कहना है कि परिवार को अभी भी संयुक्त परिवार की आवश्यकता है। जब से संयुक्त परिवार टूटने लगा, एकाकी परिवार होने लगा, तब से खतरा महिलाओं पे बहुत बढ़ गया। आप सोचिए, जब सास ससुर के साथ, दादी बाबा अजिया ससुर सास के साथ परिवार रहता था, बहुएं रहती थी, तो कहीं ऐसा नहीं होता था। हम लोग भी रहे हैं परिवारों में, वहाँ मतलब इतना डर हुआ करता था दादी का, बाबा का, सास का, ससुर का, कि पूरा दिन बीत जाता था। पति तो 15 दिन 20 दिन महीना दिन 2 महीने पे घर आते थे, परिवार के साथ रहता था। अब ये थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, शिक्षा के नाते या पति के बाहर रहने के नाते महिलाएं अकेले पति को बनाने खिलाने के चक्कर में कि वो कैसे रहेंगे, वो उनके पास रहती हैं, और एकाकी परिवार होने के नाते इतनी उनके पास समझ नहीं है कि परिवार में झंझट होगी। जैसे मम्मी सवेरे उठती थी 4 बजे, वैसे हमको भी उठना पड़ेगा, नाश्ता बनाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा, पति को ऑफिस भेजना पड़ेगा, इसी को लेके दोनों में झगड़ा होता है, पति पत्नी में दोनों में। और कोई बड़ा आदमी नहीं रहता, उनको किसी का डर नहीं रहता, दोनों अपने आप में भीड़े रहते हैं, लगे रहते हैं, और इस नाते परेशानियां होती हैं। अगर वो भी पेरेंट्स के साथ रहें तो पेरेंट्स भी सुरक्षित हैं और वो भी सुरक्षित हैं। भाई अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं तो माँ बाप को ही बच्चों के पास चले जाना चाहिए, ताकि बहुओं को भी सिखाना पड़ता है 1-2 साल कि हाँ वो कैसे रहें। और इस तरह से संयुक्त परिवार जब मतलब हम अगर ध्यान देने लगें अपने संस्कारों पर, जिसकी वजह से भारत जाना जाता है,
तो मैं समझती हूँ कि संस्कार विहीन परिवारों में ही इस तरह की बात होती है। संस्कारवान परिवार में कभी भी महिलाओं को प्रताड़ित नहीं किया जाता, वहाँ तो बेटियाँ पूजा की चीज़ होती हैं, महिलाएं लक्ष्मी होती हैं, उनका सम्मान होता है, उनका सत्कार होता है और वो परिवार की धुरी होती हैं, उनके बिना इजाज़त के पत्ता नहीं हिलता है। पापा लोग और बाबा लोग तो कुछ जानते ही नहीं थे, मतलब हम लोग जिन परिवारों को विरान करते हैं या हमने जैसे परिवार देखे हैं उस परिवार में महिलाओं की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, महिलाएं को तो बहुत सम्मान मिलता है। बल्कि पुरुष अपने पैदल चले जाएंगे लेकिन महिलाएं जाएंगी तो उनको गाड़ी की व्यवस्था की जाएगी कि हमारे घर की बहू जा रही है पैदल कैसे जाएगी। तो ये सब संयुक्त परिवार टूटने के नाते हुए मेरा ऐसा मानना है कि आज भी बुजुर्गों का सम्मान हो, सीनियर सिटीजन की इज्जत हो, बड़े लोगों का सम्मान हो और बच्चे अपने गार्जियन के साथ रहें तो वो परिवार ज़्यादा अच्छे होंगे जहाँ बड़ों का अनुशासन होगा, शिक्षा होगी, संस्कार होंगे। ये सिर्फ संस्कार विहीन परिवार है, शिक्षा विहीन परिवार है। अगर ये संस्कार और शिक्षा वाले परिवार होते तो यहाँ ये दिन देखने को नहीं मिलता। कुछ महिलाओं को कानूनी सहायता और न्याय सहायता में समस्या आती है, उनके लिए किस तरीके से हमारी सरकार ने हर कदम पे उनकी सहायता की है। वन सखी स्टाफ सेंटर के माध्यम से, 181 के माध्यम से और क्या कहते हैं, इतनी सारी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से सरकार ने महिलाओं की सहायता की है। हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट जज हैं और निःशुल्क सहायता की जाती है महिला आयोग के माध्यम से। हमारे यहाँ भी कोई एक पैसा शुल्क नहीं लगता है और हम हर आयोग की सदस्य को 3-3 ज़िले मिले हुए हैं। हम हर विजिट में हर ज़िले में प्रथम बुधवार को, तृतीय बुधवार को जाके सुनवाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि सारी महिलाएं खुशी खुशी अपने घर जाएं और कोई परिवार ना टूटे। पूरा प्रयास करते हैं कि परिवार टूटे नहीं, हम उसको टूटने से बचाएं, उसकी काउंसलिंग करें, उसको समझाएं, वहाँ की व्यवस्था बनवाएं और उनको ठीक ढंग से कन्विंस करके एक दूसरे के साथ रखें, ऐसा पूरा प्रयास होता है हमारा।